नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वस्थ तन स्वस्थ मन में। बदलती जीवन शैली और खानपान में बदलाव ने कई बीमारियां ईजाद की हैं, जिसमें पथरी भी एक है। यह ज्यादातर किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में होती है। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन के कारण कई बार यूरिन में कैल्शियम जमा हो जाता है। अगर यूरिन के साथ कैल्शियम निकल जाता है तो ठीक है, वरना किडनी में जमा होकर कैल्शियम स्टोन बना देता है। स्टोन किसी भी एज में हो सकता है, कई बार हेरिडिटरी होता है, खान पान में असंतुलन से भी स्टोन बन जाता है। स्टोन मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जैसे केमिकल्स के क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है। पथरी के लक्षण हैं, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी यूरिन पास करते समय खून भी आ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या फिर वोमिटिंग होती है। यूरिन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में स्टोन बनने से रोकते हैं। ये तत्व हैं सिट्रेट्स, विटामिन B6, मैग्नीशियम आदि। स्टोन से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। प्रतिदिन कम से कम 9 से 10 ग्लास पानी अवश्य पिएं। जिनको एक बार पथरी होती है उन्हें दोबारा यह समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को पालक, चुकंदर, टमाटर, आलू, चाय, चावल, नमक, उड़द, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें ऑक्सीलेट्स की मात्रा होती है जो स्टोन बनाने में सहायक होती है। बीज वाली चीज़ों का सेवन ना करें। क्या खाना चाहिए? वह है कुल्थ की दाल, खीरा, तरबूज के बीज, मूली, आंवला, चौलाई का साग, बथुआ, अनानास, जौ, मूंग की दाल, अनार आदि। आइए जानते हैं कि स्टोन की समस्या से निजात पाने के लिए कौन से घरेलू उपाय अपनाने चाहिए। मूली का रस 25 ग्राम लें, उसमें 1 ग्राम यवक्षार, इसको जवाक्षार भी कहते हैं, मिलाकर पीने से पथरी गल कर निकल जाती है। यवक्षार को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। टिंडे का रस 50 ग्राम लें, उसमें 1 ग्राम पिसी हुई यवक्षार या जवाक्षार मिलाकर पीने से पथरी रेत बनकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। यवक्षार को पोटेशियम कार्बोनेट या पर्ल ऐश भी कहते हैं और इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 6 ग्राम नीम के पत्तों की राख पानी के साथ लेने से कुछ दिन के प्रयोग से पथरी निकल जाती है। 5 दाने काली मिर्च की लें और 7 कोपल पीपल की लें, दोनों को पीसकर 1 ग्लास पानी में मिलाकर मरीज को पिला दें। मात्र 3 दिन के प्रयोग से स्टोन गल कर निकल जाता है। कागजी नींबू का 1 ग्लास रस सुबह सुबह खाली पेट पी लिया जाए तो 5 mm के आकार तक की भी पथरी निकल जाती है। 1/2 कप अश्वगंधा की जड़ का रस और 1/2 कप आंवला जूस 2 महीने तक लेने से पथरी गल कर बाहर निकल जाती है। चीड़ की लकड़ी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम लें, इसको 1 ग्लास पानी के साथ 1 महीने तक लेने से पथरी का रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रभावी घरेलू नुस्खे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्वस्थ तन स्वस्थ मन।